हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा वीडियो सेशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। फ्रेंड्स, आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम आगे के टूल्स सीखेंगे। फ्रेंड्स, जो हमने पिछली वीडियो में टूल्स सीखे थे इंसर्ट में, हमने सीखे थे यहाँ तक हेडर एंड फुटर तक। फ्रेंड्स, आज जो हम सीखेंगे टेक्स्ट एंड सिंबल सीखेंगे। टेक्स्ट में हमारा टेक्स्ट बॉक्स आता है, क्विक पार्ट्स आता है, वर्ड चार्ट आता है और ये सब आते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट से। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स, जिसे हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स, एक विंडो ओपन होती है साइड में। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, ये बने बनाए हमारे टेक्स्ट बॉक्स से। यहाँ पर हम जो भी क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स वही हमारा क्या हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। इसका हम एक तरीके से फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसमें हम अपना फॉर्मेट डाल सकते हैं, जो टेक्स्ट है इसमें हम अपना डाल सकते हैं। बाकी इसका जो बैकग्राउंड है, ये जो इन्होंने सेव दिया, इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने काम के लिए। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा यहीं पे ही, यहाँ से हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। और अगर हमें और चाहिए तो हम यहाँ पर मोर टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम ऑफिस डॉट कॉम, यानी कि ऑनलाइन भी उठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा क्विक पार्ट। फ्रेंड्स, क्विक पार्ट को कैसे हम यूज़ करेंगे, क्विक पार्ट को हम में क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा ऑटो टैक्स एंड ये सब आता है। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, हमारा जैसे कुछ ऑटो बने हुए होते हैं, मतलब जैसे ये, मतलब मोहम्मद फैसल, यानी कि मैं, हमारा ये लैपटॉप है, जैसे हमारा इस नाम से लैपटॉप को हमने क्या कर रखा है, इसको यूज़र क्या हुआ है। तो क्लिक किया तो हमारा ये आ गया डायरेक्टली, इसको हम डायरेक्टली उठा सकते हैं, बाकी हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी मोहम्मद फैसल को, ये हमारा डायरेक्ट आ गया। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा यहीं पर ही डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, कंपनी एड्रेस डायरेक्ट ले सकते हैं। तो हमारा कंपनी एड्रेस हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं और हम यहाँ पे डाल सकते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट इसी में आता है हमारा, और आगे आता है हमारा नेक्स्ट फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारे काम का है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा वर्ड आर्ट स्टाइल। वर्ड आर्ट स्टाइल को हम फ्रेंड्स कैसे यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख देता हूँ, हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल फ्रेंड्स इन एडवांस। तो फ्रेंड्स हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, वर्ड आर्ट में जाना है और यहाँ से कोई भी इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो ये क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है कुछ इस तरीके से आ जाएगा, मतलब एक स्टाइल अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स हमारे ये करने से क्या हुआ, एक नई टैब आ गई फॉर्मेट। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मेट जो टैब है हमने इसको पहले सीखा था, और साइड में यहीं पे आ जाते हैं हम टेक्स्ट में। तो फ्रेंड्स ये मैं पहले बता चुका हूँ कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमें वर्ड आर्ट स्टाइल में जाना है, यहाँ से कोई अगर स्टाइल चेंज करना है तो स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। वापस यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं, एंड ये हमारा आउटलाइन का कलर होता है, यहाँ से आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। और नीचे आता है फ्रेंड्स हमारा, यहाँ पे अपने टेक्स्ट को शैडो दे सकते हैं, और यहाँ पे हमारा इस टाइप की शैडो दे सकते हैं, और यहाँ पे आता है हमारा रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, जैसे वाटर में होता है हमारा ये ग्लो छोड़ सकते हैं इस तरीके से। एंड बीवल हमारा 3D इफेक्ट होता है, कुछ 3D इफेक्ट भी हम दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रोटेशन, यहाँ पे रोटेशन दे सकते हैं। और लास्ट में आता है जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको समझने के लिए, ट्रांसफॉर्म। तो फ्रेंड्स हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन सब स्टाइल में, ये हमारे अलग अलग स्टाइल है फ्रेंड्स। अगर हम कोई कॉलेज की प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई ग्रीटिंग वगैरह बना रहे हैं तो हम यहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या कोई टेम्पलेट बना रहे हैं स्पेशल थी तो ये हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं सब टूल्स को अलग अलग। एंड फ्रेंड नेक्स्ट आता है हमारा इंसर्ट के अंदर ड्रॉप कैप। फ्रेंड्स ड्रॉप कैप क्या होता है, देखो हम फ्रेंड्स इसको यूज करके देखते हैं कैसे इसको यूज करते हैं। अब मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, फिर इसको बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल टू आर ए एन डी ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट बंद, और यहाँ से कोई टेक्स्ट ले लिया। फ्रेंड्स जो हमारा वीडियो है, मैं चाहता हूँ कि जो वी है ये काफ़ी बड़ा है, ये कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे हमें क्या करना, ड्रॉप कैन ऑन हो गया। अब अगर हम फ्रेंड्स ये करते हैं तो ये क्या होगा, ये हमारे एक स्केच शेप में आएगा, मतलब जो हमारा टेक्स्ट उसी में आएगा। और अगर करते इन मार्जिन, यानी कि जो हमारा मार्जिन है मार्जिन से हट के आएगा। ड्रॉप कैप ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा ऑन हो जाएगा, और यहाँ से ड्रॉप ये लेंगे तो
हमारा इस तरीके से आएगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये दिखाई दे रहा है आपको 1 2 3, तो ये 3 लाइन में आ रहा है। और अगर हमें इससे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लाइन भी बढ़ा सकते हैं, इसकी लास्ट हम 10 ले सकते हैं। और इसको क्या करना है, ओके करना है। तो ये क्या करेगा, 10 लाइन को क्या करेगा, मतलब 10 लाइन के अकॉर्डिंग आएगा ये। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा सिग्नेचर लाइन। यहाँ पे हम कोई सिग्नेचर दे सकते हैं, जैसे हमारी बुक्स होती है उसकी बुक्स के ऊपर लिखा होता है, मतलब कुछ नाम वगैरह, और जो मतलब हमारी नोटबुक होती है डेट लिखा होता है, डेट के बराबर में कुछ भी क्लासमेट एंड जो भी कॉपियों के नाम होते हैं अलग अलग कंपनी के वो लिखा होता है। तो हम यहाँ पे भी सिग्नेचर लाइन इस तरीके की दे सकते हैं। हमें क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स देगा। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ वी जोन, और इसको क्या करेंगे, ओके करेंगे। तो क्या होगा, ये इस तरीके का साइन बना देगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा डेट एंड टाइम। यहाँ से हम डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेट एंड टाइम इसको चूज कर लेंगे जो हमें ठीक लगेगा उसमें से। जैसे हमने इसको ओके कर लिया तो हमारा यही आ जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है तो क्या करेगा, एक डायलॉग बॉक्स देगा। फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट का यूज़ क्या होता है, अब ऑब्जेक्ट का यूज़ ये होता है हमारा कि हम इसके मदद से क्या कर सकते हैं कि दूसरे सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं और दूसरे सॉफ्टवेयर में जो हम वर्क करेंगे उसको हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। कैसे करेंगे फ्रेंड्स, हम इसको एक बार यूज़ कर लेते हैं। हमें क्या करना है, मैं एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर ले लेता हूँ, यहाँ पे वर्डपैड डॉक्यूमेंट, ये हमारा वर्डपैड होता है। ओके किया तो क्या करेगा, ओपन हो जाएगा हमारा वर्डपैड। ये ओपन हो गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी वर्क कर रहे हैं एक्स वाई जेड, नेक्स्ट डे ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सेलेक्ट किया और कॉपी। तो फ्रेंड्स हमने ये वर्क किया और जैसे मैंने इसको क्लोज किया तो हमारा सारा वर्क क्या हुआ, हमारे एमएस वर्ड के अंदर आ गया। फ्रेंड्स यहाँ पे हम दूसरे सॉफ्टवेयर मतलब किसी और भी सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं, जैसे ऑटोकैड ड्राइंग होता है वहाँ पे भी जाके हम इसको यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा इक्वेशन एंड सिंबल। इक्वेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैथमेटिक्स की जो भी इक्वेशन चाहिए या हम उसका एग्जाम बना रहे हैं, पेपर बना रहे हैं बच्चों के लिए, तो यहाँ से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ हमारी जो हम ड्रॉप डाउन करेंगे इतनी मिलेगी, बाकी हमें क्या करना है, हमें जाना है इंसर्ट न्यू इक्वेशन। जैसे हम इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारी डिज़ाइन टैब आ जाएगी और यहाँ से हमारी ऑल इक्वेशन जो भी होते हैं मतलब मैथमेटिक्स की सब इसमें यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे सिंबल होते हैं एंड ये हमारी इक्वेशन होती है फ्रैक्शन वाली होती है, ई स्क्रिप्ट वाली होती है एंड ये रेडिकल होती है, ये हमारी इंटीग्रल वाली यूज़ करते हैं हम, लार्ज ऑपरेटर होती है, ये ब्रैकेट होते हैं एंड ये फंक्शन होते हैं, ये एसेंस होते हैं, ये लिमिट होती है, ये ऑपरेटर, और ये हमारी मैट्रिक्स वाली इक्वेशन होती है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स हमारा सिंबल। यहाँ से हम ऑल सिंबल उठा सकते हैं, ये हमारे मतलब जो इम्पोर्टेंट सिंबल होते हैं जो ज़्यादा यूज किए जाते हैं फिलहाल ये सामने आ रहे हैं, बाकी अगर और भी सिंबल चाहिए तो मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सब ऑन हो जाएंगे। सिंबल में हमारे जैसे हमारा ये कॉपीराइट का होता है, ये रजिस्ट्रेशन का होता है, ये हमारे एंगल होते मतलब ये हमारे क्या होते हैं डॉलर के मार्क होते हैं अलग अलग, और ये हमारे ये टीएम होता है जो हमारा लिखा आता होगा, देखा भी होगा आपने काफ़ी जगह। एंड फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स जो आपको वीडियो में कुछ समझना है वो आप हमें कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स आई होप कि आपको सब समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।